फ्रेंच, आज का जो दिन है ना यार बहुत खास है, क्योंकि आज हमारे कॉलेज में एक है पेंटिंग इवेंट। एंड जो हमारे कॉलेज में पेंटिंग इवेंट होता है ना यार, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंटिंग इवेंट इन द एंटायर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिखाते हैं आपको, एक एक चीज दिखाएंगे, यू विल बी मेस्मराइज्ड बाय द क्रिएशन ऑफ द पेंटिंग्स। स्टॉल्स लगे हुए हैं, गेम्स लगी हुई हैं, एंड व्हाट नॉट यार, एक्साइटमेंट है, एक्सुबरेंस है इतना। और बिल्कुल आपको एक एक पेंटिंग दिखाएंगे, आप बोलेंगे यार मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले। हाँ जी, छड़ गुस्सा हुन जान दे क्यों अखा ने परहाइया ने। कौन गुस्सा हो गया? गुस्सा तो कोई नहीं होया, वो तो डिपेंड करता है, जानते हैं, देखते हैं हम। बट मैं कौन गुस्सा हुआ, मैं बोलना चाहता तेन खुशी होई नू वेखण दा कोई हल ते दस मैनू। इस कॉलेज से आप? हाँ जी, इसको ले तो व्लॉग में आई। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मैं भी आई थी स्कूल। अरे कशिश, कशिश, कशिश। और एक और चीज, मीनिंग क्या है? मीनिंग अट्रैक्शन। अरे अट्रैक्टिव। अच्छा एक बार गाइस आप यहाँ का माहौल देख लीजिए, एक बार डेकोरेशंस देख लीजिए, आपको माइन्यूटली एक एक चीज दिखाएंगे। वी विल बी मेटिकुलेट अबाउट एवरी पर्टिकुलर पेंटिंग, एवरी पर्टिकुलर डेकोरेशन। बट आप एक बार एक ऐसा देख लीजिए, यहाँ पे ओवरव्यू हो जाएगा। आज देखिए जन्नत वाकई में ही जन्नत लग रही है, ऐसा दुल्हन की तरह इसको सजा दिया गया है। उस दुल्हन की आपको शक्ल दिखाते हैं, आइए कहाँ से शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। ये पेंटिंग देखिए आप, मतलब ये पेंटिंग इतनी बढ़िया लग रही है। ऐसे अनफॉर्चुनेटली दुनिया में लोग हैं, यू नो व्हेन दे स्पीक जस्ट फिल्थ कम आउट फ्रॉम देयर माउथ, यू नो गालियां देते हैं, ये सब करते हैं। बढ़िया, आप ये पेंटिंग देखिए कैसे फूल निकल रहे हैं, है ना। सो मतलब मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि हम सबका जीवन भी ऐसा ही हो जाए, कि अगर हम कुछ बोलें तो मिठास भरे और फूल खिले। और गाइस ये दूसरी पेंटिंग देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ देखिए, यहाँ चांद है, यहाँ पे दूसरा चांद है, ये रहा तीसरा चांद। सर क्या बात कह दी आपने भाई, इस बात पे ना भाई कुछ कहने का मन कर रहा है, बहुत ही अच्छा कहने का मन कर रहा है, सोच के बता। गाइस ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग है यार, मतलब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। देखिए ब्रिज है एक, और यहाँ पे एक हसीन सी लेडी बैठी हुई है, अच्छी लग रही है मेरे को। यू नो कलर्स आर जस्ट एक्सप्लोडेड, एंड एक्सप्लोजन इज दैट काइंड की इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि आई एम जस्ट मेस्मराइज्ड बाय दिस पेंटिंग यार। व्हाट अबाउट यू अरमान जी? यो हर बार ये नहीं बोला, कुछ कंटेंट भी देना होता है भाई। कंटेंट भाई, फेस्ट में मत जाना, बस यही है कंटेंट। फेस्ट में वो बलम पिचकारी। अच्छा तुम दोनों गए थे? बस चला गया। और ये हमारे देखिए सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे अगर आपको अपनी बंदी के लिए बैग चाहिए आप खरीद सकते हैं। सर सर दिक्कत इसकी नहीं है, हम बैग ले सकते हैं, गरीब नहीं है। अरमान जी, अगर आपके अरमान भी जाग रहे हो तो आप भी बैग ले सकते हैं। सेम दिक्कत इसके साथ, सेम दिक्कत है। जो आपको बहुत टेंशन है, दुख दर्द पीरा कष्ट बहुत ज्यादा है, ओके, बट तो सराउंडिंग से दूर रहना है, चिल करना है, सराउंडिंग से दूर रहना है, ओके, तो कहां जाओ, मजे करो, अलग रहो, दुनिया से बाहर चले जाओ। मैंने सर को बताया था गांजा फूको, नॉट गांजा फूको, बट चिल आउट करो, ये हाई ऑन लाइफ, इट्स हाई ऑन लाइफ। और गाइस ये देखिए क्या चाल, और गाइज ये देखिए, ये है डिजिटल, ये डिजिटल पेंटिंग है। और आप बनाते हैं डिजिटल? भाई वैसे मैं ऐसे लाइक, बट इन चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब इसको देखने में लग रहा है कि लाइक इट्स अ सिंबल ऑफ डेथ, मतलब वैसे ये जैसे पूरा हाँ इट्स अ सिंबल ऑफ डेथ। ये मैंने बनाई हुई है पेंटिंग, सो ये देखिए मैंने बनाई है पेंटिंग। अरे वाह भाई सही लग रही है यार काफी। एक स्पेस है और देयर आर थ्री पीसेस ऑफ लैंड, ब्रिज इज कनेक्टेड बिटवीन देम, और एक घर है, और आप यहाँ हाथ भी धो सकते हैं, आप हाथ धो सकते हैं, पानी बह रही है ना, ये देखिए। यस सर, यस, फेमस हो जाओगे बहुत। ओ गाइस मैंने 50 रुपए दिए थे, फोटोग्राफ नहीं, पानी बह रहा है, सैनिटाइजर आ सकते हैं, हां हां उसका भी जुगाड़ करवा देंगे यार, जुगाड़ करा तो सैनिटाइजर का सबसे ज्यादा। पर यार स्पेस में कोरोना होगा नहीं ना, कुछ कुछ बोलना चाहेंगे आप? भाई बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा आप लोगों ने। हां जी, और बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, फीलिंग्स आ रही हैं, दैट्स गुड। ये इसको कहते क्या है? बैकड्रॉप? नहीं नहीं, मतलब बैकड्रॉप तो मेरे को समझ में आ रहा है, बट ये है कौन, ये महारानी कौन है? मेरे को तो ऐसा लग रहा है गाइस, देखिए हाँ 7:15 बज रहे हैं, लोग पानी से नहाते हैं, ये चाय से नहा रही हैं। कुछ भी नाइस लॉजिक ना, अच्छा निशाना था ना, इशाना yes.
का बादशाह बेगम गुल्ला 10, 11, 12, 13 पूरा सीक्वेंस आपको जो दिखाने वाला हूँ ना दिल खुश कर देता, ये देखिए गाइस यूनिकॉर्न इतना सुंदर है यार, मतलब हाँ मतलब यूनिकॉर्न है और देखिए कैसे बनाया हुआ है, कितने बढ़िया बढ़िया देखिए शेड्स दिए हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे। एक वर्ड बोल सकते हैं अच्छा सर, माशाल्लाह। हाँ हाँ मार्वेलस गाइस, मार्वेलस मार्वेलस, माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह, मजा आ गया इस पेंटिंग को देख के। और गाइस थोड़ी सी पेंटिंग्स रह गई हैं, ये फटाफट दिखाते हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, यहाँ प्लेनेट है, यहाँ पे ईटे हैं, यहाँ पे एक फैंटेसी क्रिएटर है और ये किसी दूसरी दुनिया में जाने का एक हमें इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगली पेंटिंग की तरफ चलते हैं, ये बताइए आपको कैसी लग रही है, ये हमने बनाई हुई है सर, मुझे पता नहीं क्यों ये कौन, पहले ये कौन है, ए और बी ये कौन है, ये दोनों कौन है, भाई बहन है, भूत भूतनी, ये दोनों हम तो नहीं ब्लॉगिंग कर रहे हैं जो। नाइस जोक गाइस, नाइस जोक, मानना पड़ेगा आपको। और गाइस ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, मैंने बनाई हुई है एक्चुअली, मतलब मेरी वाली ही लगी हुई है और ये भी अच्छी लग रही है, ये टीवी स्क्रीन का इफेक्ट दिया हुआ है, व्लॉग दिखाऊं, बताइए आप बताइए क्या बोलना चाहेंगे। व्हाट अ कॉन्ट्राडिक्टरी गर्ल यार, यहाँ से ये यहाँ से ये, मैं पिंक आपने बनाया। और गाइस ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ऐसे यहाँ पे दो लेटे हुए यार, देखिए पीछे का नज़ारा, ये बेड है और ऊपर ये बर्ड मून और माउंटेन्स और सी या नीचे ये लैम्प, बहुत बढ़िया लग रहा है यार, ये भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए गाइस ये है डिजिटल है, नो कैश ओनली क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो का ज़माना चल रहा है, ये ऑटो रिक्शा में बैठ के बेसिकली ऐसे बताया हुआ है, ये डिजिटल है। हम निकले 4:30 के आसपास हैं, 4:45 मैंने इंस्टा खोला, ब्लाइंड डेट चल रही है, इंस्टा स्टोरी पे डाल दिया, सबने देखा मैंने नहीं देखा, ओह शिट ये क्यों करा हमने, नहीं फेस्ट तो जाए भाई, ये करना था यार, ये करना था यार, हम भी करते हैं ऐसी फेस्ट अपने कॉलेज में, बहुत चल जाएगा हमारा। और भाई पैसे भी आ जाएंगे यार, लड़के पागल होते हैं, कहेंगे आप पार्टी करो हम आपको 50 देंगे, लड़कों से कहेंगे 150 चार्ज, बीच का सीधा बना। और ये देखिए ऊपर देखिए ऐसे पूरा ऐसा प्लैनेट सा बनाया हुआ है, और ये दुल्हन दुल्हन सिगरेट पी रही है, दुल्हन सिगरेट पी रही है घूंघट लगा के, बदमाश बहू। और ये देखिए पंछी पानी पी रहा है इन द स्पेस, सीधे कॉन्स्टेलेशन से बनाए हैं। और गाइस ये देखिए ये कितनी बढ़िया लग रही है, वही देखिए इल्यूजन, दिस इज अ फीनिक्स, या दिस इज अ फीनिक्स, और फायर जो पीछे दिखाई भी है ये फीनिक्स दिखाने के लिए, मुझे इसके नहीं देख के मुझे एक वो हैरी पॉटर वाला सीन याद आ रहा है, फीनिक्स बैठता था ना पूरा, बहुत बढ़िया बनाई है, देखिए पीछे विंडो है, यहाँ पे चंद्रमा है, मस्त मजा आ रहा है, बस देख के मजा ही आ गया। और गाइस ये देखिए यार, मतलब वाओ यार वाओ, क्या बोलो इसको, बहुत बढ़िया लगे मेरे को, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स लगी अभी तक, ये वाली देखो यार, ये वाली वही, मतलब ऊपर लाइक एक कार्ड्स का चल रहा है, हाँ एंड लाइक हरामन औरत लग रही है, प्रो मैक्स, ठीक है गाइस। सो अगली पेंटिंग की तरफ चलते हैं, आर यू एक्साइटेड, आ जाओ। ये देखिए ये आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस पेंटिंग को, देखो यार सबसे पहले जो ये जो साइन है ये मुझे लगता है इसकी बहुत ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस है मुझे लग रहा है, और मतलब पावर ऑफ ब्यूटी कह सकते हैं उसमें चीज में, कह सकते मेरे को लग रहा है ये ना थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप, स्पिरिचुअल टाइप है, इनकी आंखें बंद है और इन्होंने ऐसे कुछ, और यहाँ पे देखिए चांद बना हुआ है, तो एज अ स्पिरिचुअल टाइप फीलिंग, स्पिरिचुअल टाइप फीलिंग आ रही है। और आइए अब आखिरी पेंटिंग की तरफ चलते हैं, आखिरी पेंटिंग देखिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप इस पेंटिंग को, आप बताइए सर, ये कुछ अलग ही इमेजिनेशन, मतलब कुछ अलग ही है, ये ग्रास है, बिल्कुल हम ब्लॉग बनाने आते हैं सिर्फ, मतलब समझ से परे है, ये ऐसी पेंटिंग है, अगर आपको समझ आए तो आप समझ जाना, लेकिन हमारी समझ के तो समझ के पार, हमारी समझ के पार कह सकते हैं हम इसको, समझ नहीं पा रहे, अंदर से समझ आ गई है, बट कोई बात नहीं, बता नहीं रहा, शब्द नहीं पकड़ पाए, जिनको समझ आ जाए वो कमेंट कर, जिनको समझ आ जाए वो कमेंट कमेंट, देखिए मैं जितना समझ सकता हूँ ये कुछ निकल रहा है, इल्यूजन टाइप ऐसा कुछ है, ये मशरूम है, ये कोई इंसेक्ट है आई थिंक सो, और कुछ निकल रहा है, और वी डोंट नो, बट चक दे पटे उल्लू दे पटे, इसका क्या नाम होता है इस कैरिकेचर का, स्पॉन्ज बॉब। और ये देखिए क्या सिगरेट भी रहा है गाइस, से नो टू स्मोकिंग, प्रमोट कर रहे हैं
गाइस से नो टू स्मोकिंग ओनली दादी वो भी नीट वाटर।